हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं को बताएंगे कि बर्ड्स का जो ग्रीड होता है, ग्रीट, ये ग्रीट क्या चीज़ है, ये बर्ड्स को देना क्यों सही है। और बहुत से लोग बोलते हैं ये ग्रीट देना बर्ड्स को गलत है। तो मैं थोड़ा डाउट है लो जिन लोगों का है वो थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ग्रीट देखिए एक नेचुरल फूड है, वो आपको किसी मिट्टी से मिल सकता है, किसी रेत से मिल सकता है, किसी पुराने हवेली के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, ईंट चूना पत्थर, वहाँ से मिल सकता है आपको ग्रीट, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पुराने जो पत्ते हैं, लकड़ियाँ हैं, वो लकड़ियों के जो बुरादा है उस वहाँ से ग्रीट मिल सकता है। बहुत सी जगह में ग्रीट मिलता है। तो ये ग्रीट बहुत से लोग बोलते हैं देना बर्ड्स को सही नहीं है, पेट में जाके वो जमता रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए तो देखिए बर्ड्स लोग जो होते हैं ये खाने को चिबा के नहीं खाते, हम लोग जैसे फूड को चिबा के खाते हैं, ठीक है, चिबा के खाने के बाद पेट के अंदर जाता है, लेकिन बर्ड्स क्या करता है, वो चिबा के नहीं खाता है, मतलब च्यूइंग करके नहीं खाता, वो डायरेक्ट निकल लेता है। तो डायरेक्ट निकल लेने के साथ साथ क्या है, बर्ड्स के पेट में जाके वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर बर्ड्स का इम्यूनिटी पावर, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है। तो ग्रीट क्या करता है, ग्रीट जो चूना पत्थर होता है, ये बर्ड्स के फूड में जाके मिक्स होके उसको मैश करके सही तरीके का फूड बनाती है जो बर्ड्स के बॉडी में ठीक से अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो इसलिए ग्रीट देना बहुत ज़्यादा सही है। आप देखेंगे पुराने जो हवेली है वहाँ पे जो लोग कबूतर वगैरह पालते हैं, मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं, वो देखेंगे कबूतर वो पुराने हवेली में जाके ग्रीट्स को खाता रहता है, चूना पत्थर को ऑटोमेटिक खाते रहते हैं। मुर्गियों को देखेंगे मिट्टी में कुछ ढूंढ कर खाते रहता है, बहुत बार कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बहुत बार ऐसे ही मिट्टी खाते रहता है, ठीक है। तो बहुत से लोग सोचते हैं ये खा क्या रहा है, मैं भी बचपन में सोचता था, कबूतर देखता था धूल मिट्टी खा रहा है, ये खा क्या रहा है, तो ये ग्रीट खाता था, वो ग्रीट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए वो खाते रहते थे। अभी देखिए ये ग्रीट आपको कैसे बनाएंगे, बहुत से लोगों में ये डाउट होता है कि ग्रीट बनाएंगे कैसे। ग्रीट बनाने का बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन सबसे ईजी प्रोसेस है कि आप ब्रांडेड कंपनी का ग्रीट खरीदें, डायरेक्ट परचेस कर लें, बेल्जियम प्रोडक्ट है और ऑनलाइन आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा अमेजोन से। अमेजोन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। डेली नेचर का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, आप कुछ बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट बर्ड्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। एक केजी 200 ग्राम का है, मतलब 1.2 केजी का है, 450 रुपये लेता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन अगर आप बर्ड्स लवर है, पेट्स लवर है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का ग्रीड्स, ब्रांडेड कंपनी का ग्रीड्स पाना चाहते हैं तो आप ये परचेस कर सकते हैं। और ग्रीड्स बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगता है, बहुत से लोग टाइम नहीं है ग्रीड्स बनाने का, कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, डाउट होता है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा बनाया हुआ, अच्छे क्वालिटी का, क्लीन, एकदम मशीन क्लीन ग्रीड्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्वालिटी का इसमें आपको ग्रीड्स के मटेरियल मिल जाएगा, आपको जो बनाना पड़ता है वो बनाना नहीं पड़ेगा, बहुत इसमें पहले से ही मौजूद होता है। बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ग्रीट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आप सभी दर्शक बंधुओं को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये ग्रीड्स रिलेटेड, ग्रीड्स अब बनाएंगे कैसे, बहुत सारे लोग मतलब बहुत महंगा है, तो बनाएंगे कैसे, देखिए बनाएंगे कैसे इसके रिलेटेड अगर बात किया जाए तो मैं बोलूँगा कि 10-12 टाइप का मटेरियल आप डाल के ग्रीट बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो मटेरियल होता है ये काफ़ी बार बहुत से लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह पर रहते हैं वहाँ पे ग्रीट ये इंग्रेडिएंट्स मटेरियल मिलता नहीं है, तो इसलिए बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो आप यही बोलूँगा कि आप डायरेक्ट परचेस कर लें, अच्छे क्वालिटी का, ब्रांडेड कंपनी का। देखिए बेल्जियम ये जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, जैसे कैल्सिलेक्स आता है, ऑप्टिब्रिड आता है, ओमनिब्रिड आता है, बार्सिलागा का बहुत सारे प्रोडक्ट सब बेल्जियम साइड से ही होते हैं, तो अच्छे ब्रांड है वो, ठीक है। बहुत से लोग बड़े बड़े ब्रीडर इस टाइप का ब्रांड को प्रमोट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो मैं भी यूज़ किया, अच्छा फ़ायदा मुझे मिला। हैंड फीडिंग फार्मूला भी इस टाइप के ब्रांड से आता है, बहुत सारे कंपनियाँ हैं अच्छे अच्छे आता है। तो अगर आप ग्रीड बनाना चाहते हैं तो कटल बोन का जो सेल होता है वो बिट नून बोलते हैं, वो सैंदुक नून, काट कोयला, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, साड़, जो मिट्टी आपको ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा नीचे से मिला हुआ मिट्टी, कोई अगर पातकुआ वगैरह होता है वहाँ से अगर कुछ मिट्टी वगैरह खींचते हैं या किसी तालाब से पांस वगैरह बोलते हैं तालाब के नीचे से, उस टाइप का मिट्टी आपका पुराने हवेली का जो चून छुर्की होता है, मतलब पुराने हवेली ऐसा आप तो सीमेंट से बनता है, लेकिन पुराने दिनों में क्या होता है सीमेंट से नहीं बनता था, वो ऐसे ही मिट्टी से बनता था, तो वो मिट्टी 100 साल 50 साल बाद कुछ अलग टाइप का हो जाता है जो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचती है। उस टाइप का मिट्टी को आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है।
मिक्स करके एक ग्रीड बना सकते हैं, अंडे का छिलका उसमें डाल सकते हैं, अंडे का छिलका एकदम मैश करके पाउडर टाइप करके आप डाल सकते हैं, ऐसे करके ग्रीड बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो डेली नेचर का ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियोस में, तब तक के लिए देखते रहिए पेट सपा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।